नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य कश्यप। कैमरे के पीछे आलोक सिंह राणा और अभी हम मौजूद हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के शिवाजी पार्क में, जहाँ पे हमारे साथ एलयू डेपसॉक के कुछ मेंबर्स हैं। सो आइए चलते हैं। पहले तो आप अपने थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में बताइए, क्या पोजीशन होल्ड करते हैं, थोड़ा डेपसॉक की हिस्ट्री के बारे में बताइए। जी, मैं स्वयं जायसवाल हूँ और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में 2021 में आया था, और यहाँ पे जब 2021 में ही नई शिक्षा नीति लागू हुई, मैं तभी आया था यहाँ पे, एडमिशन लिया। मेजर इकोनॉमिक्स, मेजर इंग्लिश और माइनर फ्रेंच मैंने ऑप्ट किया था। तो नई शिक्षा नीति के तहत आप इररिस्पेक्टिव आप क्या पढ़े हैं पहले 10वीं 12वीं 11वीं 12वीं में, उसके अलावा आप जो भी सब्जेक्ट है अपना कोर्स खुद डिज़ाइन कर सकते हैं, इस चीज़ की इंडिपेंडेंस वो आपको देता है। तो इसलिए मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ चुना था। मेरा घर वैसे गोरखपुर है, और तो इस तरह से मैंने अपना कोर्स डिज़ाइन किया। इकोनॉमिक्स और इंग्लिश को मेजर मैंने सब्जेक्ट चूज़ किया, और फ्रेंच में मैं माइनर की पढ़ाई कर रहा हूँ। अभी वैसे आप जनरल सेक्रेटरी के पोस्ट पे एक्स जनरल सेक्रेटरी हैं। जी जी जी, आज मैं रिटायर हो चुका हूँ। एक डिबेटिंग सोसाइटी है एलयू डेपसॉक, जिसे एलयू डेपसॉक हम कहते हैं, डिबेटिंग सोसाइटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी डिबेटिंग सोसाइटी। अक्सर बच्चों का प्रश्न आता है, जैसे वो स्कूल से जब यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं उन्हें इतना पता नहीं रहता कि सोसाइटीज़ बेसिकली यूनिवर्सिटीज़ में होती क्या है। जी, तो आप एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताएं कि सोसाइटी एक्चुअली में है क्या, ना सिर्फ डेपसॉक की बात, ओवरऑल सोसाइटी क्या होती है। देखिए, सोसाइटी ओवरऑल अगर हम डेफिनेशन बताएं तो कहीं भी जहां पे दो या दो से ज़्यादा लोग जुटेंगे वो सोसाइटी बन जाएगी, जहां पे उनका लाइक माइंडेडनेस यानी उनकी सामान्य सोच होनी चाहिए, सामान्य सोच मिलेगी तो वो सोसाइटी कहलाएगी। एक यूनिवर्सिटी में सोसाइटी क्या होती है कि वही लाइक माइंडेडनेस, लेकिन यहाँ पे छात्र होते हैं, जो छात्र छात्राएं अगर उनके विचार मिलते हैं तो साथ में मिलके एक सोसाइटी इस्टेब्लिश कर लेते हैं, और उस पर अलग अलग तरीके की सोसाइटी होती है। यूनिवर्सिटी में बहुत सारी सोसाइटियाँ हैं, उनमें से एक ये डिबेटिंग सोसाइटी है जिसको हमने सबसे करीब से देखा। इसके अलावा आप ये बताएं कि डेपसॉक की क्या कुछ एफिलिएशन भी है, जैसे रजिस्टर्ड होती हैं सोसाइटीज ऑफिशियली गवर्नमेंट में, या फिर लखनऊ विश्वविद्यालय में तो नहीं लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय में ये सिस्टम है कि उनकी ऑफिशियली रजिस्टर्ड होती है, इवन वेबसाइट पे भी उनकी सोसाइटी होती है। तो क्या आपका एलयू के साथ भी ऐसा, या फिर कोई गवर्नमेंट पोर्टल पे रजिस्टर्ड हो? देखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ खुद राज्य सरकार की एक रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी है UGC की, और इसके तहत इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी हम रजिस्टर्ड हैं। इनकी ऑफिशियल और बहुत पुरानी एक संस्कृति की क्लब चल रही है, जिसके अंदर सभी को करिकुलर एक्टिविटीज़ हुआ करती हैं। हम उसके एक सब्सिडियरी हैं संस्कृति की के। जी, और हम वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे, वहाँ पे हमारे रिपोर्ट्स भी हैं, हम जितने इवेंट्स किए हैं उनकी एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी है, वो सब कुछ रजिस्टर्ड है। इसके अलावा आप बताइए, बैकग्राउंड आपका क्या है, आप पोजीशन क्या होल्ड करते हैं और कब से जुड़े हैं एलयू डेपसॉक से? तो मेरा नाम कुंवर पाल श्रीवास्तव है, मैं इसका संस्थापक हूँ। स्वयं और शौर्या के साथ मैंने 2022 में इस सोसाइटी को बनाया था, और इसको बनाने के पीछे मेरा मकसद ये था कि जब यहाँ पे आते हैं तो एकेडमिक्स के अलावा भी कई ऐसे फील्ड्स होते हैं जिसमें एक अंडर ग्रेजुएशन के स्टूडेंट को ग्रो करना ज़रूरी होता है, जिसमें से सबसे अगर क्रूशियल हम लोग हिस्सों की बात करें तो वो होती है कम्युनिकेशन स्किल्स और पब्लिक स्पीकिंग की स्किल्स, एक दूसरे को अप्रोच करने की, और ये ओवरऑल वेल राउंडेड ग्रोथ में मदद करता है बच्चों की। तो इसके लिए हमारी जो सोसाइटी है वो कई तरह की ग्रुप डिस्कशंस कराती है, स्क्रीनिंग राउंड्स कराती है, डिबेट्स अलग अलग फॉर्मेट में डिबेट्स कराती है, क्योंकि एक स्कूल से निकल के स्कूल में डिबेट का मतलब होता है वाद विवाद करना, पर असल में डिबेट को अगर हम लोग देखें तो वो वाद विवाद नहीं, वो संवाद का रूप लेती है। तो उस मतलब कई विचारधाराओं से आप यहाँ पे अवगत होते हैं, और कई अलग अलग मतलब उसी चीज़ को लेके कई पर्सपेक्टिव्स जानना ज़रूरी होता है, तो वो एक एक इंडिविजुअल ओपन माइंडेड होता है हमारी यूनिवर्सिटी लेवल पे डिबेट करने से। तो इसी चीज़ को दिमाग में रखते हुए हम लोग ने इस सोसाइटी की शुरुआत की थी। ठीक है, आप बताइए कि आप क्या पोजीशन होल्ड करती हैं, और थोड़ा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए। जी, मेरा नाम शौर्या सिंह है और मैं एलयू डेपसॉक की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। आज ही हम लोगों ने स्टेप डाउन करी है उस पोजीशन से। मेरा बैकग्राउंड, मैं यहाँ पे एलयू में स्वयं की तरह ही और पाठ की तरह 2021 वाले बैच में आई थी जब एनईपी लागू हुई थी। मेरे सब्जेक्ट्स इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी रहे हैं, जिसमें से मैं अभी इकोनॉमिक्स में मेजर कर रही हूँ। बाकी डिबेट क्लब शुरू करने का यही एक मोटिव था कि ऐसे लाइक माइंडेड लोगों को साथ में लाएँ
जो बेसिकली डिस्कोर्स या जैसे पार्थ ने कहा संवाद, बेसिकली इश्यूज जो आजकल हमारे यहाँ इतने सारे न्यूज़ आर्टिकल्स आते हैं पर उस पर कोई बात नहीं करता है। तो हम चाहते थे कि ऐसा एक क्लब बनाएं, ऐसा एक लोगों का संगठन करें, एक प्लेटफॉर्म दें उनको जहाँ पर उनकी आवाज़ कहीं तक पहुँचे। वो जैसे हमारे बच्चों ने नेशनल स्टेट लेवल सब पे हम लोग डिबेट करते हुए आए, हम लोगों ने मिरांडा हाउस के मंजर में भी पार्टिसिपेट किया था। तो लेकिन जो बेसिक ट्रेनिंग होती है वो देनी पड़ती है, जैसे पार्लियामेंट्री बहुत सारे डिबेट फॉर्मेट्स होते हैं तो उनके बारे में उनको समझाना पड़ता है, उनको सिखाना पड़ता है, जो काम हमारा डेपसॉक सोसाइटी करता है। अच्छा, इसके अलावा किस टाइप्स के टॉपिक होते हैं? जैसे कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स होते हैं, सोशल इशूज होते हैं, या फिर आप थोड़ा टॉपिक के बारे में डिटेल्स में बताइए क्या? अब जैसे जब नए मेंबर्स हमारे साथ जुड़ते हैं तो उन्हें हम थोड़ा आसान टॉपिक देते हैं। अब जैसे आसान में ये भी नहीं हुआ कि एक विज्ञान अभिशाप या वरदान, ये टॉपिक नहीं रहता। अब जैसे आधुनिक टॉपिक्स हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर उनका क्या ख्याल है, उससे रिलेटेड टॉपिक्स रहते हैं। फिर जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाते हैं और एडवांस होते जाते हैं, उनकी डिबेटिंग स्किल्स अच्छी होती जाती हैं, तो वही कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती रहती है थोड़े जब वो परिपक्व हो जाते हैं तो उसकी। अब जैसे जियोपॉलिटिक्स के टॉपिक्स हो गए या फिर अर्थव्यवस्था के टॉपिक्स हो गए, ऐसे करते करते फिर हम लोग उन्हें नेशनल लेवल की डिबेट्स के लिए प्रिपेयर करने के लिए और ज़्यादा ऐसे टॉपिक्स देते हैं जिनके लिए उन्हें रिसर्च ज़्यादा करनी पड़े या उन्हें मैटर प्राइमरी सोर्सेस इकट्ठा करने पड़े ऐसे सोर्सेस। इसके अलावा जैसे कई बार होता है कंट्रोवर्सीज आती है, जैसे किसी के ईगो पे बात लग जाती है या फिर डिबेट करते समय लोग खुद पे ले लेते हैं चीज़ों को, तो उस चीज़ को आप किस तरीके से जो डेपसॉक है वो हैंडल करता है तो उसके बारे में? देखिए, हमारा सबसे पहले हम लोग के ग्राउंड रूल्स हैं कुछ, जिसमें से सबसे पहला रूल ये है कि हम लोग जितना भी अगर वो डिस्कोर्स कहीं पे अराइज होता भी है, कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट अराइज होता भी है, तो उसे हम लोग उसी डिबेट रूम में छोड़ के बाहर आ जाते हैं। उसको मतलब ये रूल हमारा है कि उस जो भी टॉपिक पे वो इंसान बोल रहा है, हम लोग को ये इंश्योर करना होगा कि वो अपने ओपिनियंस तो रखे पर उस ओपिनियन के बेसिस पे उसे जज ना किया जाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हो सकता है असल में वो इंसान उसके पक्ष में बोलना चाहता हो पर हम लोग ने उन्हें विपक्ष में बोलने के लिए दे दिया, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो उससे अग्री नहीं कर रहा है या वो उससे डिसएग्री कर रहा है। तो ये हम लोग और थोड़ी हम लोग अथॉरिटी इम्पोज करते हैं उनके ऊपर, और अगर वो नहीं मानते, अगर वो डिसिप्लिन और अपना अनुशासित नहीं होते हैं तो हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि वो अगली डिबेट्स में पार्टिसिपेट ना करें या उन्हें किसी तरह का दंड या पेनल्टी मिले। इसके अलावा हमारे जैसे कुछ इनपुट्स आया था, सूत्र कैसे कह सकते हैं कि सूत्रों के हवाले से खबर आई थी कि, लेकिन उसके लिए पहले हमें ये दर्शकों को बताना पड़ेगा कि सिम्पोजियम का क्या फॉर्मेट है, उस बारे में आप थोड़ा बताएं। देखिए, सिम्पोजियम क्या है, जैसे कि अभी जैसा पार्थ ने जो प्रेसिडेंट है हमारे उन्होंने बताया कि हम एक स्क्रीनिंग राउंड करते हैं यहाँ पे डिबेटिंग सोसाइटी में, तो हम ऐसे उस स्क्रीनिंग राउंड के ज़रिए हम ऐसे लोगों को छांटते चुनते हैं यूनिवर्सिटी से, वैसे स्टूडेंट्स को जो जेन्युइनली इसमें इंटरेस्टेड हैं डिबेट करने में, ऐसा स्किल रखते हैं, पब्लिक स्पीकिंग जैसी स्किल्स रखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम वैसी क्राउड को सेलेक्ट करते हैं यहाँ से और फिर वो हमारे परमानेंट मेंबर बन जाया करते हैं। तो ऐसे अभी लगभग हमारे पास 50 से 55 परमानेंट मेंबर्स हैं डिबेटिंग सोसाइटी में। लेकिन सिम्पोजियम हमें क्यों शुरुआत, सिम्पोजियम हमारा एक फ्लैगशिप प्रोग्राम था जिसके तहत हमने, सिम्पोजियम का सरल भाषा में मतलब बताइए लोगों को। सिम्पोजियम सोसाइटी का एक लैटिन टर्म है, ऐसा समझ लीजिए। सिम्पोजियम एक ग्रीक शब्द है, सिम्पोजियम एक ग्रीक शब्द है जिसमें उसका मतलब रहता था कि कहीं गली मोहल्ले नाके पे इकट्ठा होके किसी बारे में डिस्कस करना, उस मीटिंग को सिम्पोजियम बोलते थे। ओके, इसके अलावा एक इंसिडेंट हुआ था, मतलब एक व्यक्ति तो उन्होंने बताया एलयू डेपसॉक के बारे में कि सिम्पोजियम में उन्होंने पार्ट लिया था, ठीक है, लेकिन उनका कुछ टॉपिक ऐसा आया जिसमें वो बाद में पार्ट नहीं लेना चाहते थे, उसके विद इन 2 आवर्स उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया कि वो पार्ट नहीं लेंगे, ठीक है। देन टू मतलब फिर उनको ग्रुप से, उन्होंने ऐसा बताया कि उनको ग्रुप से बाहर निकाला गया, लेकिन इसके अलावा भी बाद में हालांकि उनका कम्युनिकेशन जो है वो सही हो गया था बाद में कि ऐसा नहीं होना चाहिए और ये जो थी हायर अथॉरिटी तक बाज जाएगी, ठीक है। अब उन व्यक्ति का हम नाम तो नहीं लेना चाहेंगे, इस बारे में आप क्या कहेंगे जब ऐसे इंसिडेंट होते हैं, तो आपको लगता नहीं कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तौर पे एलयू जो डेपसॉक उसकी इमेज पे डायरेक्ट असर पड़ता है? देखिए, जहाँ तक हमें याद है, हम अगर वो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, यूजुअली हमारा जो सिम्पोजियम का इवेंट रहता है वो ऑनलाइन रहता है और ऑनलाइन इवेंट्स हमेशा हम लोग शाम को 6 बजे या 6:30 बजे शुरू करते हैं, तो अक्सर ये होता है कि अगर, और हम लोग उन्हें टॉपिक एक 24 घंटे, लगभग 24 घंटे पहले दे देते हैं, और जो जो टीम बनती है, पक्ष विपक्ष की टीमें बनती हैं, वो हम लोग
6 से 10 घंटे पहले बना देते हैं, तो उसके बाद अक्सर ये होता है, मतलब हम लोग भी समझते हैं कि कई कमिटमेंट्स आ सकते हैं लोगों की, जिनकी वजह से उन्हें वर्कआउट करना पड़ सकता है, क्योंकि ये यूजुअली थर्सडे को होता है हम लोग का। काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि जैसे कोई कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है, मान लीजिए होमोसेक्सुअल वाला इशू है या फिर LGBT वाला इशू है, जहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कई हर परिवार के बच्चे इतने समर्थ नहीं होते हैं फाइनेंशियली, तो उनके पास एक ही रूम है, वहाँ उनके पेरेंट्स भी हैं, और उस मुद्दे पे वो उस टॉपिक पे बात नहीं कर पाएंगे किसी के सामने, तो फिर वो बैकआउट कर रहे हैं। तो इसका मतलब उनको टाइम देना चाहिए एटलीस्ट कि इतने समय तक आप बैकआउट कर सकते हो, तो उन्हें टाइम मिलता है। हम लोग ये पहले तो अगर ऐसी समस्या है कि वो इस टॉपिक पे बात करने में कंफर्टेबल नहीं है अपने सराउंडिंग में, तो उन्हें हम लोग कहते हैं कि मतलब आपको अगला मौका भी मिलेगा, हर लगभग हर हफ्ते होता है हम लोग का, तो वो अगले इवेंट में रजिस्टर कर सकते हैं। पर अगर ऐसा कोई चीज़ आती है कि वो बाद में ऐसे एनवायरनमेंट पे इंट्रोड्यूस हो जाए जहाँ वो नहीं बोल सकते इस बारे में, तो हम लोग अक्सर ये करते हैं कि जब तक टीम ना बनी हो या कोई ऐसा उनके पास विकल्प हो जो वो ला सकते हैं जो उनके बिहाफ पे बोलते, तो हमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती है। पर कई बार ऐसा भी होता है कि अब जैसे 3 लोगों की टीम बनती है, पक्ष में 3 बनती है विपक्ष में, कई बार ऐसा होता है कि उनमें से एक ने मना कर दिया कि हम नहीं आ पाएंगे, तो हम लोग कहते हैं कोई बात नहीं, 3-2 की हम लोग डिबेट कराते हैं फिर, अगर वो फुलफ़िल नहीं हो पाती है तो। पर अब जैसा आप बता रहे हैं कुछ ऐसे तत्व हैं जिन्होंने लास्ट मोमेंट बैकआउट किया, उन्हें ग्रुप से निकालना पड़ गया, तो मेरी तो मेमोरी में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने इतना पहले इन्फॉर्म करके बताया और हम लोग ने या किसी भी अथॉरिटी ने उसे निकाल दिया। सोचने वाली बात है कि जैसा हमने बताया कि 24 घंटे या मिनिमम हम कहते हैं, ऐसा कभी मान लीजिए हो गया हो 12 घंटे पहले हमने डिबेट का टॉपिक रिलीज़ किया होगा, तो भी आप जिन का नाम ले रहे हैं या जिनके बारे में आप बता रहे हैं उन्होंने 2 घंटे पहले बैक ऑफ किया, तो ये सबको सोचने, दर्शकों को भी 2 घंटे नहीं, 2 टॉपिक बताने के 2 घंटे बाद, टॉपिक बताने के 2 घंटे बाद, तो उनका क्या कहना था कि क्या वो उन्हें ग्रुप से निकालना पड़ा? ग्रुप से एक्चुअली उन्होंने ऐसा बताया कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उनको ग्रुप से निकाल दिया गया, क्योंकि टॉपिक एक्चुअली रिजर्वेशन के बारे में था। अच्छा। और उस मुद्दे पे वो बात नहीं करना चाह रहे थे। अच्छा। ठीक है, क्योंकि वो तो अपोजिशन में आ गए थे एक तरीके से उसके। अच्छा। और वो हार्डकोर बिलीवर थे कि इसको लागू करना चाहिए। अच्छा। ठीक है, तो मुद्दा ये था। तो देखिए, अब मैं, आपने अभी बीच में एक प्रश्न पूछा था कि जो डिबेटिंग सोसाइटीज़ में अक्सर एक विवाद हो जाता है, मतभेद हो जाता है विचारों को लेके, इसको अवॉइड करने के लिए ही हमने ऐसा पैटर्न रखा है कि टॉपिक हम डिसाइड करते हैं, ठीक है, और हम ही डिसाइड करते हैं कि उसके पक्ष में कौन बोलेगा, उसके विपक्ष में क्या बोलेगा। इससे क्या होता है, जैसे मैं एक उदाहरण रखता हूँ, रिजर्वेशन का ही उदाहरण ले लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि मैं दलित हूँ, ऐसा मान लेते हैं फिलहाल, और मुझे बोल दिया गया कि रिजर्वेशन के खिलाफ बोलना है मुझे, ठीक है, रिजर्वेशन के अगेंस्ट बोलना है, तो हालांकि वो तो मेरे पक्ष में, अम्बेडकर साहब ने ये मेरे पक्ष में ऐसा रखा है कि भाई मैं जो कि पिछड़ी जाति से आता हूँ, मुझे सोसाइटी में आगे बढ़ने का, एजुकेशन के मामले में, नौकरियों के मामले में मौका मिले, इस वजह से उन्होंने ऐसा इम्प्लीमेंटेशन हुआ है संविधान में, लेकिन मुझे अगर इसके खिलाफ बोलना पड़े तो बिल्कुल ये मेरे पक्ष में नहीं होगा। इससे अहम प्रश्न आ जाते हैं कि इसका मेंबर कैसे बनते हैं और कितने कैटेगरीज के मेंबर्स हैं? देखिए, जैसा मैंने बताया कि स्क्रीनिंग राउंड होती है और हम लोग मेंबर्स से पूछ सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। हाँ, ये हमारे साथ मेंबर भी जुड़े हुए हैं। आप लोग ये बताएं कि जैसे यहाँ पे डेपसॉक के मेंबर बनने का प्रोसेस क्या और कितने कैटेगरीज के मेंबर्स हैं? ओके, तो हम लोग एक स्क्रीनिंग राउंड होल्ड करते हैं, तो स्क्रीनिंग राउंड इज़ बेसिकली एक स्पीच कॉम्पिटिशन जैसा होता है, तो उसमें हम टॉपिक्स देते हैं, आपको एक पक्ष में मिलेगा एक विपक्ष में मिलेगा, और उस विषय पर आपको डिबेट करनी होती है, डिबेट भी नहीं होती क्योंकि क्रॉस क्वेश्चनिंग होती नहीं है, तो एक स्पीच कॉम्पिटिशन होता है जिसमें आपके ओरेटरी स्किल्स जज की जाती हैं एंड उस बेसिस पर आपको पॉइंट्स दिया जाता है। हमारे पास जजेस होते हैं जो PhD स्कॉलर्स हैं, वो आपकी डिबेट को जज करेंगे एंड देन जो पॉइंट्स आते हैं आपके उस बिहाफ से एक कट ऑफ स्कोर डिटरमाइन होता है एंड अगर आप उस कट ऑफ के ऊपर आपका स्कोर जाता है तो आप डेपसॉक के मेंबर बन जाते हैं। इसके अलावा उसके टाइम पीरियड क्या, मतलब कोई भी कभी भी मेंबर बन सकता है साल में, कि इसका कोई पर्टिकुलर डेट होती है स्क्रीनिंग राउंड का? जी, तो स्क्रीनिंग राउंड फिलहाल एनुअली कंडक्ट होता है। एक स्क्रीनिंग राउंड कंडक्ट हुआ था नवंबर 2022 में, तब मैं उस स्क्रीनिंग राउंड में पार्टिसिपेट करी थी और मैं उस मैं कट ऑफ क्लियर करी थी, तो मैं मेंबर बन गई थी डेपसॉक की। उसके बाद पिछले साल 2023 में उसी टाइम पीरियड के अराउंड दूसरा स्क्रीनिंग राउंड कंडक्ट हुआ था जो 2 दिन में डिवाइड हुआ था, जिसमें बहुत मेंबर्स आए थे, उन्होंने डिबेट किया था, तो
जी, जिसमें ईशा सेलेक्ट हुई थी। और ये एनुअल होता है स्क्रीनिंग राउंड। ओके, जैसे कि नए बच्चे भी आ रहे हैं, ठीक है, तो अगला जैसा आप शायद प्रेसिडेंट बनी है इस बार और शायद आप वाइस प्रेसिडेंट बनी है, तो इसके अलावा बताना चाहिए कि अगला स्क्रीनिंग राउंड कब होगा, जो नए बच्चे यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, फर्स्ट ईयर में आ रहे हैं, वो कब कैसे जुड़ सकते हैं, उस बारे में थोड़ा बताइए। हमारी कोशिश है कि जो हमारा स्क्रीनिंग राउंड एनुअल होता है उसे अब हम सेमी एनुअल करवा पाएँ, एक साल में दो स्क्रीनिंग राउंड करा पाएँ, ताकि जो नए मेंबर आ रहे हैं उनको, वो जैसे फर्स्ट ईयर के बच्चे अब जुड़े हैं कैंपस में, एडमिशन हुआ है उनका, तो अभी उनको डेपसॉक का मेंबर बना है, तो उनके पास ये अपॉर्चुनिटी थोड़ा जल्दी अवेल हो जाए ताकि वो डेपसॉक के मेंबर बन पाएँ। इसके अलावा मतलब कहाँ पर अप्लाई करना है, अगर कुछ इंस्टाग्राम पेज हो या फिर कोई वेबसाइट हो, किस तरीके से अप्लाई, उस बारे में थोड़ा आप बताइए। तो हमारा एक इंस्टाग्राम पेज है LU DevSoc के ही नाम से, जिस पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। साथ ही साथ जो लोग सिंपोजियम में जुड़े होते हैं, नॉन मेंबर्स जो काफ़ी टाइम से पार्ट ले रहे हैं, उनको भी ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि परमानेंट मेंबर बनने के लिए हमारी स्क्रीनिंग राउंड हो रहे हैं। हम लोग पोस्टर्स लगाते हैं जगह जगह कैंपस पे, और अक्सर जैसे BSc या BA लोगों के ग्रुप होते हैं, जितने भी उस ईयर के ईयर 2023, ईयर 2022, उसमें भी हम लोग वो इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड करते हैं कि स्क्रीनिंग राउंड हमारा हो रहा है। अच्छा जी, जैसे कि आप प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बनी है, तो इस बारे में बताइए, जैसे कोई मेंबर जो है वो अगर वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट बनना चाहता है, तो क्या उसका पर्टिकुलर टर्म है कि दो साल के लिए प्रेसिडेंट बने या वाइस प्रेसिडेंट बने, तो कोई मेंबर से वाइस प्रेसिडेंट बन कैसे सकता है, उसका ड्यूरेशन क्या है, वो आप थोड़ा बताइए। हम लोग एक्चुअली में पहले हैं जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बने, क्योंकि इससे पहले पार्थ, स्वयं और शौर्य ये सब फाउंडिंग मेंबर्स थे। सबसे पहली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी कि एक साल हम लोगों ने व्यतीत करा है इस क्लब में। दूसरा ये था कि लास्ट ईयर नहीं होना चाहिए जो भी प्रेसिडेंट बन रहा हो, जो फर्स्ट ईयर हो और सेकेंड ईयर के मेम्बर्स हों वो पार्टिसिपेट कर रहे थे। और वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी यही क्राइटेरिया था कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो एलिजिबल नहीं थे इसके लिए। हम लोगों का टर्म एक साल का है, तो अगले साल जनवरी में हम लोग भी अपने ऑफिस से रिटायर करेंगे। इसी के साथ अगर मेंबर्स को लगता है कि कोई वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट में से कोई अपना काम सही से नहीं कर रहा, तो उनके खिलाफ नो मोशन भी पास हो सकता है, अगर लोगों को उनका काम नहीं पसंद आ रहा है तो। अच्छा, इम्पीच करने का भी तरीका है, तरीके से। ओके, इसके अलावा LU DevSoc का शायद IIT कानपुर में भी उन्हें बुलाया गया था, उस बारे में बताइए कि किस तरीके से उन्हें इनवाइट करा गया, या फिर आपने कहीं पे खुद ही अप्लाई करा, किस तरीके से क्या? तो हम लोगों ने खुद से ही अप्लाई करा था, और हम दोनों लोग गए थे। वो था क्या इंसिडेंट, पूरा बताइए किस टाइप का? तो IIT कानपुर में फेस्ट हुआ था। एक्चुअली में फेस्ट में कॉन्सर्ट होते हैं, कई इवेंट्स होते हैं, पर्टिकुलरली डिबेटिंग इवेंट नहीं था वो। डिबेटिंग इवेंट एक आने वाला है मार्च के महीने में, पर जो हम लोग अक्टूबर के महीने में गए थे वो एक फेस्ट था जिसमें तरह तरह के कार्यक्रम हुए थे। हम लोगों ने उसमें डिबेटिंग में पार्ट लिया था, एशियन पार्लियामेंट्री डिबेट फॉर्मेट था उसका। हम लोगों ने पैसे सबमिट करे थे, हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा था। रजिस्ट्रेशन के टाइम में वो आपसे आपका पास्ट एक्सपीरियंस भी चेक करते हैं कि क्या सर्टिफिकेट है। तो हम लोगों ने ग्राविटास जो लुम्बा ने ऑर्गेनाइज करवाया था, हम लोगों ने उसमें भी पार्ट करा था। संस्कृति की सुरभि में भी हुआ था, तो हम लोगों ने उसमें भी पार्ट लिया था। तो हम लोग अपने सर्टिफिकेट सबमिट करते हैं और फिर हम लोगों को शॉर्टलिस्ट करा जाता है। तो हम लोगों के पास शॉर्टलिस्ट होने का एक ईमेल आया था IIT कानपुर की तरफ से, तब हमारी टीम गई थी। हम लोगों का स्टे था, अकोमोडेशन IIT कानपुर ने ही प्रोवाइड करवाया था। वहाँ पे हमारी दो टीम थी डिबेट की जिन्होंने पार्ट लिया था, और हमारी टीम ने एक राउंड क्लियर करा था, और अंशिका की टीम सेमीफाइनलिस्ट थी। इसके अलावा कुछ आपको प्राइज़ भी मिला था, मोमेंटो या फिर किसी तरीके का? जो लोग विनर्स होते हैं उनको सर्टिफिकेट मिलता है, बट अक्सर जब IIT कानपुर या IIT या वेरियस प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो मोमेंटो एज अ सोसाइटी नहीं देते, वो सर्टिफिकेट ही देते हैं। ओके, इसके अलावा आप बताना चाहेंगे, जैसे कि हर एक सोसाइटी में कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज़ें होती हैं, जैसे जो पॉजिटिव ना हो, जैसे आप पहले मेंबर भी रह चुकी हैं, तो आप ये मत कहिए कि नहीं है बिल्कुल, तो आपको दो तीन चीज़ें गिनानी पड़ेंगी जो कि आपको अच्छी नहीं लगी सोसाइटी के बारे में। तो मैं नवंबर 2022 से मेंबर हूँ इस सोसाइटी की। हमने काफ़ी इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया है, एंड मैं आपको नेगेटिव गिनाती, बट लाइक इस सोसाइटी के थ्रू मुझे एक्सपोजर मिला है। मैंने मिरांडा हाउस के मंजर डिबेट हुआ था 2023 की स्टार्टिंग में, मार्च के महीने में उसमें पार्टिसिपेट किया था, तो उसके थ्रू बहुत एक्सपोजर मिला दूसरे कॉलेज के। इस क्वेश्चन को थोड़ा रीफ्रेस करते हैं। ओके, जैसे कि आप प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, तो कमियां तो होंगी जैसा आप बता रही हैं,
तो आप क्या इम्प्रूव करेंगे इस पर, जो कमियाँ हैं एज अ प्रेजिडेंट एंड वाइस प्रेजिडेंट? एक प्रॉब्लम जो हम लोगों ने बहुत फेस करी है कि वो जब हम ऑफलाइन इवेंट्स कंडक्ट करते हैं तो हमें वेन्यू अरेंजमेंट में प्रॉब्लम मिलती है, लाइक हमें वेन्यू जल्दी नहीं मिलता है, हमें डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती है और हमें एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट दौड़ना पड़ता है। तो डैट इज़ समथिंग जो हम एज अ चैलेंज देख रहे हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम उस चैलेंज को टैकल करेंगे, वेन्यू अरेंज कर पाएंगे ताकि जो हमारे मेंबर्स हैं हमारे सोसाइटी के वो एक ऑफलाइन सेटिंग में डिबेट कर पाएँ, बिकॉज ऑनलाइन उतना एफिशिएंट नहीं होता है। तो या इसके अलावा हर ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए फंडिंग की ज़रूरत होती है, तो आप फंड कहाँ से अरेंज करते हैं? जी, तो फिलहाल तो लाइक 1.5 साल से डेपसॉक फंक्शन कर रहा है और उसमें हमें फंडिंग की ऐसा रिक्वायरमेंट पड़ी नहीं है, बिकॉज वेन्यू हम लोग कॉलेज में अरेंज कराते हैं, अपार्ट फ्रॉम डैट हम ऑनलाइन भी करते रहते हैं, तो इन फ्यूचर अगर होगी तो वील सी टू इट। और जैसे अगर इन फ्यूचर हम लोग कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करवाते हैं तो हम लोग स्पॉन्सरशिप के लिए भी जा सकते हैं। अभी हम लोगों ने फिलहाल में कोई इवेंट नहीं ऑर्गेनाइज करवाया, बट ये हमारी लिस्ट में डेफिनेटली है कि विद इन दिस ईयर वी ऑर्गेनाइज एन इंटर कॉलेज इवेंट और एन इवेंट दैट इज़ ओपन टू ऑल द स्टूडेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी। इसके अलावा अक्सर होता है कि हम डिबेट्स में तो पार्ट ले लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मोटिवेशन के लिए प्राइस की ज़रूरत होती है। अब वो आप एक सर्टिफिकेट में लिख के दे दोगे तो मेरे को लगता नहीं वो एक इनफ होगा, तो आप क्या कुछ मॉनेटरी प्राइस या कह लो कि कुछ प्राइस या फिर मोमेंटो या कुछ इसी तरीके कुछ प्राइस आप देते हो कि नहीं देते हो या फिर देने वाले हो? अभी तो हम लोग सर्टिफिकेट और मोमेंटो कोई ऐसा नहीं देते। सबसे पहली बात मुझे लगता है कि हर कोई इस चीज़ से अग्री करेगा कि फॉर अ कॉलेज स्टूडेंट सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे लिए सर्टिफिकेट ही होते हैं, क्योंकि जब भी हम लोग CV और रेज्यूमे अपना प्रिपेयर करते हैं तो सर्टिफिकेट की सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है, मोर दैन मॉनिटरी थिंग। बट एट द सेम टाइम फॉर मॉनिटरी वी हैव डिसाइडेड कि अक्सर डिपार्टमेंट में सेमिनार या कॉन्फ्रेंसेज होते हैं, हम लोगों ने सोचा है कि हम लोग उन डिपार्टमेंट्स को अप्रोच करेंगे एंड वी विल ऑफर कि हम आपके लिए डिबेट कंडक्ट करवाएं। अगर हमें उस डिपार्टमेंट से एक अग्री मिल जाता है, इफ़ दे अग्री टू अस, आई थिंक हम उनके साथ भी पार्टनर अप कर सकते हैं और भी ऑर्गेनाइजेशन से, जैसे लुगदा है, लुम्बा है, हम लोग उनसे मतलब उनको भी अप्रोच कर सकते हैं। कॉन्वोकेशन इवेंट होते हैं, हर कॉन्वोकेशन इवेंट में डिबेटिंग होती है डिपार्टमेंट्स में, हम लोग ड्यूरिंग द कॉन्वोकेशन इवेंट भी हम लोग उन वो लोग सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कॉन्वोकेशन इवेंट के दौरान। तो अगर हम लोग पार्टनर अप करें कि डेपसॉक विल ऑर्गेनाइज योर डिबेट, आप अपना रखिए, वेन्यू आपकी होगी बट एडमिनिस्ट्रेशन हमारा होगा, साथ ही साथ हमारी डिबेटिंग सोसाइटी को एक एक्सपोजर मिलेगा और बच्चों को सर्टिफिकेट भी मिलेगा। ओके, इसके अलावा जैसे आप मेंबर रहे हैं, ठीक है, तो आप ये बताइए कि कभी डिबेट करते वक्त क्या आपका सबसे ख़राब एक्सपीरियंस क्या था, मतलब कि कभी ऐसा हुआ है कि ईगो क्लैश हुआ हो किसी के साथ, या मतलब बिना नाम लिए भी बता सकते हैं, बताना चाहें कि आप दोनों? ईगो क्लैश नहीं, बट हाँ बहुत ख़राब डिबेट कॉन्वोकेशन इवेंट के दौरान, मेरा मेजर जियोलॉजी है तो जियोलॉजी डिपार्टमेंट में डिबेट हो रही थी और बहुत कन्वेंशनल डिबेट थी वो, फॉर अगेंस्ट, जो कि स्कूल लेवल पे होती है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मुझ में ये ओवर कॉन्फिडेंस था कि मैंने तो एशियन पार्लियामेंट्री डिबेट करी है, कन्वेंशनल डिबेट बहुत ईजी है मेरे लिए, और वहाँ जाके मैं फंबल कर गई। ऑल दो बहुत ख़राब नहीं था, मुझे 3rd प्राइज मिला था उसमें, बट एट द सेम टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये चीज़ बहुत आसान है, हमें उस चीज़ के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए, नो मैटर आप कौन से स्टेज पे हो, बहुत एक्सपीरियंस हो आपके पास या आप बहुत यंग मेंबर हो, ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज आप यंग हो आप में ना होता। तो जब हम लोग IIT कानपुर में भी गए थे तो वो हमारा पहला ऑफलाइन एशियन पार्लियामेंट्री डिबेटिंग का एक एक्सपीरियंस था, उससे पहले हम लोगों ने नहीं करा था कहीं और यूनिवर्सिटी में जाके एशियन पार्लियामेंट्री, तो उस टाइम भी हम लोग बहुत नर्वस थे कि हम लोग इतने यंग मेंबर हैं कैसे क्या होगा। वहाँ पे DTU के लोग थे, मेरा पहला राउंड DTU से था, वहाँ पे NLU के बच्चे थे, हाँ उसके थे, तो मतलब बहुत डिफरेंट कॉलेजेस के थे, लॉ स्कूल्स के थे, लॉ स्कूल्स वालों को काफ़ी अच्छे आर्ग्यूमेंट्स अपने पेश करना आता है, हाँ थोड़ा सा दिक्कतें होती थी बट एट द सेम टाइम वी मैनेज्ड। और अंशिका सेमीफाइनल्स में आते सेमीफाइनल्स तक क्वालिफाई किया था डिस्पाइट वो सब चैलेंजेस। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है कि जिस तरीके से स्क्रीनिंग राउंड आपने बताया, स्क्रीनिंग राउंड में आपको नहीं लगता जैसे, क्योंकि हर एक सोसाइटी का बेसिकली मोटिव ये होता है कि जो बंदा सोसाइटी में शुरुआत में ज्वाइन करा था वो और इम्प्रूव करे,
जी. काफ़ी लोगों का होता है इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन वो ट्राई करते हैं स्पीक करने का कि उनकी थोड़ा कन्वर्गेशन स्किल्स. और बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से, क्योंकि आप स्क्रीनिंग राउंड में वो बाहर हो जाएगा तो वो इन ही नहीं हो पाएगा जी. तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि जो लोग इंग्लिश में इतने अच्छे नहीं वो कैसे पार्ट लें? उसके लिए स्क्रीनिंग राउंड एक आपके पास प्लेटफॉर्म है डेप्सॉक के अंदर एज अ मेंबर आने का. उसके अलावा हम सिंपोजियम जो हमारी होती है वीकली, वो हम लोग नॉन मेंबर्स के लिए कराते हैं जो मेंबर्स नहीं हैं डेप्सॉक के. तो ये जब नॉन मेंबर्स सिंपोजियम में आते हैं, ये पार्टिसिपेट करते हैं, तो इन्हें एक्सपोजर मिलता है कि हमारी सोसाइटी कैसी है, हम किस फॉर्म की डिबेटिंग करते हैं. एंड उसी प्रोसेस के दौरान वो सीखते भी हैं काफ़ी चीज़ें, उन्हें कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है. कोई लैंग्वेज में हो सकता है कॉन्फिडेंस या डिबेटिंग में कॉन्फिडेंस हो सकता है, तो उस कॉन्फिडेंस के थ्रू वो फिर स्क्रीनिंग राउंड में भी आते हैं. एंड ऐसे काफ़ी मेंबर्स रह चुके हैं जिन्होंने इनिशियली सिंपोजियम से ज्वाइन किया, उन्होंने काफ़ी सिंपोजियम में पार्टिसिपेट किया, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर हुई, उनको एक्सपोजर मिला और फिर स्क्रीनिंग राउंड के थ्रू वो डेप्सॉक के मेंबर भी बने. ओके, तो इसी के साथ हमारा सवालों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है. तो आप सभी का शुक्रिया यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए. ठीक है, धन्यवाद. थैंक यू.